तस्वीर देखकर आप समझ गए होंगे कि दो पक्ष अपनी अपनी जमीन को लेकर एक दूसरे के साथ बहस कर रहे हैं। चलिए अब आप पूरा मामला जान लीजिए। यह पूरा नजारा चास प्रखंड के पिंडराजोरा क्षेत्र का है। दृश्य में एक तरफ पिंडराजोरा में अवस्थित क्रिसेंट पब्लिक स्कूल के प्रबंधक अनिल कुमार गुप्ता और उनके सहयोगी है, तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय ग्रामीण और जेसीबी चालक है। इस पूरे मामले पर क्रिसेंट पब्लिक स्कूल के प्रबंधक का साफ साफ कहना है कि भूमाफिया और कुछ स्थानीय लोगों ने जबरन क्रिसेंट पब्लिक स्कूल की स्थानीय इकाई की 8 फीट ऊंची बाउंड्री को जेसीबी लगाकर तोड़ दिया। तो वहीं दूसरी तरफ जो स्थानीय ग्रामीण है वह कहते नजर आ रहे हैं कि वे अपनी जमीन है और अपनी जमीन पर वे कुछ भी कर सकते हैं, वे दूसरे की नहीं सुनेंगे। दृश्य में साफ साफ नजर आ रहा है कि मास्टर साहब चिल्लाते चले जा रहे हैं और जेसीबी अपना काम करता चला जा रहा है और देखते ही देखते 400 फीट लंबी दीवार जमींदोज कर दी गई। प्रबंधक के अनुसार 26 जनवरी का यह पूरा मामला है। क्रिसेंट पब्लिक स्कूल के प्रबंधक जब लोगों को समझाने और रोकने में नाकाम रहे तो थक हार कर पुलिस प्रशासन का सहारा लिया और पिंडराजोरा थाना में इस बाबत नामजद एफआईआर दर्ज कराया गया है। क्रिसेंट पब्लिक स्कूल के प्रबंधक अनिल कुमार गुप्ता साफ साफ कह रहे हैं कि वे झुकेंगे नहीं और वे लड़ेंगे। उन्होंने इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन, प्रशासनिक अधिकारी और प्रबुद्ध जनों से इस मसले पर साथ देने की गुजारिश की है। उन्होंने यह भी कहा है कि पिंडराजोरा का यह स्कूल एक तरह का CSR संस्थान है, कोई व्यवसायिक केंद्र नहीं, जहां यहां के गरीब बच्चे पढ़ाई करेंगे और इंग्लिश मीडियम की शिक्षा हासिल करेंगे। पब्लिक स्कूल पिंडराजोरा में गत 26 जनवरी को शाम और रात में जेसीबी लगा करके इसकी लगभग 400 फीट लंबी और 8 फीट ऊंची चहरदीवारी को जमीन माफियाओं ने गिरा दिया है और इसके लिए नामजद FIR पिंडराजोरा थाना में दर्ज कराई गई है, जिसमें संजीव कुमार जो जमीन माफिया है और दिनेश को आस्तिक घोप आदि को अभियुक्त बनाया गया है। मैं आग्रह करता हूँ प्रशासन से कि इसमें संलग्न अभियुक्तों पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि बोकारो में बढ़ रहा जमीन माफियाओं का जाल घटाया जा सके और बोकारो के विकास में सकारात्मक भूमिका निभाई जा सके। जैसा कि सर्वविदित है कि क्रिसेंट पब्लिक स्कूल द्वारा एक भव्य विद्यालय का निर्माण पिंडराजोरा के ग्रामीण इलाके में किया जा रहा है ताकि
वहाँ के लोगों को, वहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा सके, इसमें समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों का सहयोग अपेक्षित है। सर, दूसरे लोगों का कहना है, जो आप जिन पे FIR किए हैं, उन लोगों ने भी FIR किया है आपके विरोध में, लेकिन उनका कहना है कि क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल के जो सर हैं उनसे लगातार बातें हो रही थी, वहाँ के स्थानीय मुखिया के साथ और एक बैठक भी की गई थी, सर ने सहमति भी जताई थी, उसके बाद सर ने FIR कर दिया। सर किसी की बातें को नहीं सुन रहे हैं। 6 डिसमिल 12 डिसमिल का प्लॉट है, 6 डिसमिल सर ने लिया है, उसे हम मानते हैं, और वो 6 डिसमिल पे वो बाउंड्री करे, घर बनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो 6 डिसमिल हमारा जमीन है उस पर सर अधिकार जमा रहे हैं। जी, क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल के पास लगभग 4 एकड़ जमीन है जिस पर यह विशाल परिसर बन रहा है, और ये जमीन लगभग 50 रैयतों से अलग अलग डीड के द्वारा ली गई है। इसमें से एक महिला जिसको, जो वस्तुतः उन जमीन माफियाओं का मोहरा है, उसका कहना है कि उसके परदादा की कोई की सिर्फ लड़की थी, लड़का नहीं था, इसलिए उनका भी इसमें हिस्सा बनता है और वो भी चाहते हैं कि उनको हिस्सा मिले। उनके अनुसार उनका 6 डिसमिल का हिस्सा है, जो कि स्कूल प्रबंधन ने के मैनेजिंग कमेटी के लोगों ने उनको आश्वस्त किया था कि अगर उनका कुछ भी वाजिब हिस्सा निकलता है तो उनको दिया जाएगा। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि क्यों भू माफिया आपको तंग करने की ये साजिश करते हुए? इंद्रागढ़ क्षेत्र में जमीन के दाम अचानक काफी बढ़े हैं और इसके कारण इसमें बड़े पैसों का लेन देन हुआ है और कई अपराधी किस्म के तथा कुछ जमीन माफियाओं का नेक्सस है, जो बड़े अधिकारियों पर और अपनी नेतागिरी की धौंस जमाकर उन पर भी दबाव डालते हैं। और क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल प्रबंधन ने उनसे लड़ने का फैसला किया है और हम झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे, और ताकि बोकारो के विकास में हम कोई ऐसी भूमिका निभा सकें जिसका, जिससे बोकारो का विकास हो सके। मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि उस एक इलाके में इतना बढ़िया स्कूल बनने से पूरे क्षेत्र का विकास होगा। तो सर, जिस दिन दीवार तोड़ी जा रही थी, तस्वीरें में आप भी वहाँ मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी में दीवार टूट जाता है, आप कुछ नहीं कर पाते हैं, इतनी लाचार क्यों है क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल? जी, ये 26 जनवरी के शाम 5:30 बजे की घटना है। परिसर में उस समय सिर्फ मैं, मेरा ड्राइवर और एक गार्ड थे, और जो अपराधी आए थे गिराने JCB लेकर, उनकी संख्या 15 के लगभग थी और हथियारों से लैस थे। इसलिए मैं अकेला चाहता भी तो मैं नहीं रोक सकता था, लेकिन अगर आपने वीडियो देखा होगा, उसकी रिकॉर्डिंग देखेगी, उसमें मैं लगातार उनसे कह रहा हूँ कि आप दीवार नहीं गिराए। वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर तो 17 केस पहले से है, आपको जो करना है कर लीजिए। कौन कर रहा है ये बातें? कौन कर रहा है ये? जिनके ऊपर नामजद प्राथमिकी दर्ज की। तो उसके बाद आपने क्या किया? मैंने तत्काल पुलिस को सूचना दी थी फोन पर। PCR वैन आ गई थी, लेकिन अभियुक्तों के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, उन सबको छोड़ दिया। तो अब क्या मांग है आपकी? अब मेरी मांग है कि जो बोकारो के प्रबुद्ध जन है वो मुझको सहयोग करें, और जो बोकारो के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी विद्यालय को संरक्षण दें, क्योंकि हम समाज के विकास के लिए काम कर रहे हैं। विद्यालय किसी व्यक्ति का नहीं होता है बल्कि पूरे समाज का होता है, और उसका लाभ भी किसी एक व्यक्ति को नहीं मिलता है, पूरे परिवार को मिलता है। क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल की अन्य शाखाओं ने, जो सेक्टर 6 में है और 4 में है, उन्होंने जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाने का और अच्छी शिक्षा देने का, अच्छा रिजल्ट CBSE में करने का और प्रतियोगिता परीक्षाओं में उनको सफलता दिलाने का बहुत सराहनीय काम किया है, और वही काम हम ग्रामीण इलाके में करना चाहते हैं। वह विद्यालय जो हम अपना खोल रहे हैं वो एक तरह का CSR है, वो कोई व्यावसायिक केंद्र नहीं है।